بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم अल्लाह ताला इन आयात शरीफ़ा में ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज़ के खालिक और मालिक हम हैं और कायनात में जितनी चीज़ें हमने पैदा की हैं वो इंसानों के नफ़े रसानी और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैदा की हैं। इंसानों का फ़ायदा इसमें है कि अल्लाह की पैदा की हुई मखलूकात में से, अशिया में से, चीज़ों में से अल्लाह ताला के बताए हुए हुदूद के मुताबिक इस्तेफादा करे, उसका इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला के हुदूद यानी अल्लाह के हलाल व हराम के कवानीन की पाबंदी करे और उसके मुताबिक अल्लाह की नियमतों से इस्तेफादा करें। जिन चीज़ों को अल्लाह पाक ने बंदों के लिए हराम किया है उनको इस्तेमाल करना अल्लाह ताला की अज़मत की खिलाफ वर्जी और अल्लाह ताला की नाफरमानी है, और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है, तय्यब बनाया है, पाकीज़ा बनाया है, उनको ना इस्तेमाल करना और उनसे खामखा एहतियात और एहतराज़ बरतना ये भी अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री और नाकदरी है। इसलिए अल्लाह ने जो हलाल बनाया है उस हलाल से फ़ायदा उठाए, खाने में, पहनने में, पीने में, अमल में, कौल में। अल्लाह ने बास चीज़ें हलाल कर दी हैं और बास चीज़ें हराम कर दी हैं। हलाल को ना इख्तियार करना ये भी नाकदरी है और हराम को इख्तियार करना ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी और उसके अज़मत और एहतराम की ख़िलाफ़ वर्जी है। इसलिए कि हाकिम जब किसी चीज़ का हुक्म देता है तो महकूम और रियाया को उस हुक्म को मानना ही तहजीब और शराफत और अख़लाक़बंदी समझा जाता है और उसकी खिलाफ वर्जी करना बगावत से ताबीर किया जाता है। मामूली मामूली हुक्मरान जो कभी पैसा दौलत की वजह से, कभी ख़ानदान की वजह से, कभी ख़ुद रियाया की मेहरबानियों की वजह से हाकिम बन जाते हैं तो वो भी अपनी अदना नाफरमानी को हाकिम की और हुकूमत की बगावत करार देते हैं और उसे गवारा नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि ये हाकिम और महकूम मर्तबे में यकसा हैं, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे हाकिमों ने हमें पैदा किया हो, ऐसा नहीं है कि हमारे हाकिम हमें रोज़ी देते हों, हमारी इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम हैं वैसे वो हैं, लेकिन बस एक प्रोटोकॉल है, एक मर्तबा है कि कोई इंसान महकूम बन गया है, कोई इंसान हाकिम बन गया है। यह कायनात के निज़ाम को कायम रखने के वास्ते, इंसानी आबादी को
बिखर जाने से और टूटने से बचाने के वास्ते एक आसमानी निज़ाम है। इस निज़ाम की वजह से कोई बड़ा बन गया तो वो कुछ भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल कौम खादिमुहू, जो कौम का सरदार बनाया जाता है, हाकिम और अमीर बनाया जाता है, तो उसे ये मानना चाहिए कि वो उनका खादिम बनाया गया है, उनका हाकिम नहीं बनाया गया है। हाकिम समझना रियाया के लिए तो बेहतर है, लेकिन हाकिम के लिए अपने को हाकिम समझने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसको बता दिया गया कि तेरे हाकिम होने की हैसियत खादिम होने की है, इसलिए वो खादिम की हैसियत से रियाया को संभाले, मुल्क को संभाले। लेकिन इसके बावजूद हर मुल्क का कानून, कानून तोड़ने को हुकूमत से बगावत कहता है। हुकूमत से बगावत करार देकर सख्त तरीन, संगीन तरीन सज़ाएँ उसको दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला तो हमारे ऐसे हाकिम हैं कि उन्होंने ही पैदा किया है, वो हमारे बराबर नहीं, हम उनके बराबर नहीं, हमारी कोई हैसियत उनके सामने नहीं। वो हर मखलूक के खालिक हैं, हर मखलूक के रब और राज़िक हैं। अल्लाह तबारक व तआला शानहू अगर कोई कानून बनाते हों तो उस कानून की रियायत करना तमाम रियाया की ज़िम्मेदारी है, तमाम बंदों की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह के कानून को न तोड़ें, अल्लाह के हलाल को हलाल समझें, हराम को हराम समझें। ये कानून है अल्लाह का। दुनिया जिसे कानून कहती है, ये मत करो ये करो, अल्लाह ताला का भी यही कानून है, ये काम मत करो ये काम करो, ये बुरी बात है ये अच्छी बात है। इसको अपने मालिक की इज्जत कहा जाता है और इसको अपने मालिक की जिल्लत और बगावत कहा जाता है। सारा कुरान अल्लाह के इन्हीं कवानीन को बयान करता है। अब आदमी ये कहे कि ऐसा क्यों, तो उसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से तो ये है कि ऐसा इसलिए कि तुम खुद कुछ नहीं हो, हमारे बनाने से बने हो, इसलिए हमारा कहना मानो और हम जो चाहते हैं वो पूरा करो, तुम्हारा फ़र्ज़ यही है। बास चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया तो हलाल मानो, बास चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया तो हराम मानो, रुको। जैसे अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने शराब को, यानी नशा पैदा करने वाली हर चीज़ को हराम कर दिया है। क्यों किया है अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। हर चीज़ को उसने बनाया तो उसे मालूम है कि इसमें क्या असर है, इसमें क्या असर है। अल्लाह को मालूम है क्योंकि अल्लाह ने बनाया है। हमने बनाया नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि कहने से हमारे समझ में भी आ जाए। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से ज़्यादा होती हैं, आगे की चीज़ होती हैं तो हमारी समझ में आना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह पाक ने शराब को क्यों हराम किया, खिंजीर को क्यों हराम किया? कोई कहता है कि साहब ये भी एक चौपाया है, ये भी एक चौपाया है, बकरी खा सकते हैं, खिंजीर क्यों नहीं खा सकते? तो उसकी अक़ल इतनी ही है कि उसे इतना नज़र आया कि ये भी एक चौपाया है, ये भी एक चौपाया है, इसके भी चार पैर हैं, इसके भी चार पैर, ये भी एक जानवर है, ये भी एक जानवर है। उसकी अक़ल इतनी ही है, उसको इतना ही समझ में आया। और अल्लाह ताला तो उस चीज़ के खालिक और पैदा करने वाले हैं, तो अल्लाह को पता है कि बकरी के खाने में, खाने से इंसान के अंदर कुव्वत पैदा होती है, अच्छी सिफात पैदा होती हैं, शराफत पैदा होती है। और अल्लाह को पता है कि सूअर के खाने से, खिंजीर के खाने से इंसान के अंदर शैतानी और वहशी और जानवरपन की सिफतें पैदा होती हैं। अल्लाह को पता है और असल क्या मसलहत है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। कुछ भी नहीं तो हमको इतना तो समझ में आ सकता है कि जब हमें आजमाना है तो कुछ चीज़ों को हलाल करके और कुछ चीज़ों को हराम करके ही आजमाया जाएगा। चलो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन हुक्म हाकिम की वजह से वो हमारे लिए हराम है और हमें हराम मानना हमारे बंदा होने का तकाजा है। हम मालिक तो नहीं हैं, हम बंदे हैं तो हमें मान ही लेना चाहिए
कि हुक्म हाकिम, बस इतना काफ़ी है कि भाई ये हुक्म हाकिम है, ये हमारे पैदा करने वाले का हुक्म है, इसको मान लेना चाहिए। ये मान लेने के लिए इतना भी काफ़ी है बंदों को, किसी मसलहत की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी अल्लाह ताला कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में मसलहत भी बताते हैं, फ़ायदा भी बताते हैं कि देखो इसमें ये फ़ायदा है, जहाँ मुनासिब समझते हैं बताते हैं, जहाँ मुनासिब नहीं समझते कोई फ़ायदा बताते हैं ना कोई नुकसान बताते हैं, हुक्म बताते हैं, ये हुक्म है हमारा, बस अमल करना है आपको। आपका काम नहीं है कि आप ये पूछें कि क्यों, क्यों पूछना गुलामों का काम नहीं होता, क्यों पूछना ज़र खरीदों का और मखलूक व ममलूक का काम नहीं होता, वो क्यों पूछ नहीं सकता। आप कैसे क्यों पूछ सकते हैं अल्लाह ताला से, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, किसी का हक नहीं बनता कि वो अल्लाह से पूछे। अलबत्ता अल्लाह का हक बनता है कि वह हर एक बंदे से पूछे कि ऐसा क्यों किया, ये अल्लाह का हक बनता है। वहुम युसअलून, सब पूछे जाएंगे पर अल्लाह नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो मालिक है, मालिक कैसे पूछा जाएगा, अल्लाह नहीं पूछा जाता। लेकिन लोग गौर करते हैं तो अल्लाह ताला ने दी हुई समझ से इंसानों को अच्छा बुरा भी समझाया है, समझने की सलाहियत भी दी है। कभी हमने पढ़ा था कि जर्मनी के एक डॉक्टर जोड़े ने इस बात पर रिसर्च की कि आखिर ये फलां फलां जानवर हैं, इनको इस्लाम कहता है कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ भाई हमारी दी हुई रोज़ी है, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और कुछ हैं जिनको अल्लाह ने हराम किया, ख़ास तौर से खिंजीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दिया। क़ुरान मजीद में फ़रमाया लहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, जो अल्लाह के गैर को खुश करने के लिए हलाल भी ज़िबा किया गया है वो हराम है। है तो हलाल जानवर लेकिन उसके ज़िबा का मकसद गैर अल्लाह को खुश करना है तो वो हराम हो गया। जैसे लोग आमिल लोग करते हैं, कहते हैं कि साहब काली मुर्गी लाओ, काला बकरा लाओ और उसे ज़िबा करते हैं, ये गैर अल्लाह के लिए ज़िबा करते हैं। उनका मानना यह होता है कि जो भी जिन शैतान और गैबी ताकत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है वो राज़ी नहीं होगी जब तक कि हम उसको क़ुरबानी नहीं पेश करें, लिहाजा जान की क़ुरबानी देने पर वो राज़ी होगा और हटेगा यहाँ से। तो ये अल्लाह के लिए नहीं हुई क़ुरबानी, ये गैर अल्लाह के लिए हुई। इसका एक एक रीशा भी मोमिन के लिए हराम है, ये अमल ही हराम है। ऐसा अमल करके आदमी मुशरिक बन जाता है, मोमिन बाकी नहीं रहता, मुवाहिद बाकी नहीं रहता। लेकिन वो जाहिल जादूगर और अमलियात मुसलमान सब के सब जाके वहाँ मर रहे हैं, अपने मकासिद के लिए जा रहे हैं, अपनी परेशानियों के लिए जा रहे हैं। ज़मीन आसमान का खालिक मालिक जो हर दुख दर्द को दूर कर सकता है वो तो इनको आजिज़ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी पैदा की हुई एक आजिज़ मखलूक इनको ऐसी ताकतवर नज़र आ रही है कि बाबा ये कह दें तो ये हो जाएगा, ये कर दें तो ये हो जाएगा, ये कर दें तो ये हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। ये वो लोग हैं जो ईमान देकर शिर्क लेके आते हैं, ये लोग तौहीद की भेंट चढ़ाते हैं जादूगरों और आमिलों की चौखटों पर जाकर, अपनी तौहीद को कुर्बान करके वहाँ से शिर्क का सौदा करके आते हैं। ये शिर्क लेके आते हैं और वो राज़ी हैं इससे कि हम तौहीद दे दें और शिर्क ले लें, इससे वो राज़ी हैं। जो जानवर भी गैरुल्लाह के लिए ज़िबह किया जाएगा वो हराम है, उसमें कोई शक नहीं। मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि लहमुल खिंजीर भी हराम कर दिया है मैंने तुम लोगों के लिए, और जैसे खिंजीर हराम है ऐसे ही वो गोश्त भी हराम कर दिया।
जो अगरचे के बकरी का हो, गाय का हो, बैल का हो, हलाल जानवर का हो, लेकिन गैरुल्लाह को खुश करना उसका मकसद हो। ये भी, और ये भी जहन में रख ले मसला, आप नया घर बनाते हैं, नई सवारी खरीदते हैं, उस वक्त में जो जानवर ज़िबह किया जाता है ये खालिस मुशरिकाना ज़िबह है। इसके बाद ईमान खतरे में पड़ जाता है आदमी का। अपने घरों के अंदर मुसलमान बकरे ला के काटते हैं जब नए घर में वो जाते हैं या नया घर वो बनाते हैं। ये मुसलमानों की रस्म नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुशरिकों का तरीका है। उस मुशरिकों के तरीके को मुसलमानों ने भी अपने पास लिया है, और आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो अपने नए घर में बकरा ज़रूर काटते हैं। नई सवारी खरीदते हैं, उसके सामने बकरा काटते हैं और उसका खून उस पर उड़ाते हैं। यह शिर्क है, ऐसा शिर्क जिसको शिर्क जली कहते हैं, जिसमें ज़रा भी शुभा नहीं, ये ऐसा शिर्क है। लेकिन है मुसलमानों में चले आ रहे काम ऐसे, देखा देखी हिंदुओं की, उनके साथ रहते हैं, उनकी तहजीब में से बहुत सी चीज़ें मुसलमानों ने ले रखी हैं अपने दीन के अंदर। इसको जहन में रखिएगा, इसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक बात पहुँचा दीजिएगा, लोगों को बता दो। लोग बहाने करते हैं कि साहब गोश्त के लिए, दावत के लिए हम ज़िबह कर रहे हैं। नहीं, आप कमेले में ज़िबह कर लीजिए, आप कुरैशी से गोश्त खरीद के ले आइए। आज आप क्यों करना चाह रहे हैं, जो काम हिंदू करता है वो मुसलमान क्यों करना चाह रहा है, आज मत करिए आप। इसके बाद जब कभी जब ज़िबह करना है कर लो गोश्त के खातिर, लेकिन जिस वक्त करना गैरों का तरीक़ा है उस वक्त मुसलमान नहीं कर सकते, मुसलमानों के लिए इसकी गुंजाइश नहीं। तो खैर, ये मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें हराम हैं। अब डॉक्टरों ने, क्रिश्चियन डॉक्टरों ने रिसर्च किया, मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर, कि इस्लाम खिंजीर क्यों नहीं खाने देता, आखिर यूरोप सारा खा रहा है, सारे ईसाई शौक से खा रहे हैं और उसे सेहतमंद ग़िज़ा समझते हैं और उसे जो है सेहत के लिए तमाम गोश्त के मुकाबले में सबसे अच्छा गोश्त समझते हैं, सबसे अच्छा समझ कर खाते हैं कि साहब इससे फैट में इजाफा नहीं होता और इससे शुगर नहीं बढ़ती और इससे ये नहीं होता और इससे ये नहीं होता और ये सबसे अच्छा गोश्त है और उसे खाते हैं। तो उनको फ़र्क नहीं समझ में आया कि हम ऐसा समझते हैं और मुसलमानों की किताब कहती है कि ये हराम है, एक लुकमा क्या एक रीशा भी नहीं खा सकते, ये मुसलमान कहते हैं। तो आखिर क्यों, उन्होंने इस पर गौर किया, रिसर्च किया, हर पहलू से देखा। उन लोगों ने अपनी रिसर्च छापी और शाया की और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि हमारी रिसर्च में हमें ये बात मालूम हुई कि हर गोश में, हर खाने की चीज़ में कोई असर है, वो अखलाकी असर है। एक असर तो उन लोगों ने देख लिया कि साहब इसके अंदर चिकनाई नहीं है और इसमें ये नहीं है और इसमें ये, असर तो उन्होंने देख लिया, ये मादी असरात। अखलाकी असरात भी होते हैं खाने पीने की चीज़ों के। चुनांचे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो लोग भी खिंजीर का गोश्त खाएंगे उनके अंदर से इंसानी शराफत ख़त्म हो जाएगी और वो एक गैर औरत में और एक माँ में, एक बहन में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। जो ये गोश्त खाएगा उसके अंदर ये सिफत पैदा हो जाएगी कि भाई वो अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करने के लिए, ये मेरी बीवी है और ये मेरी माँ है, दोनों में फ़र्क नहीं करेगा, दोनों में, दोनों को अपनी ज़रूरत समझ के खाए कर ले। ये असर पैदा होता है खिंजीर का गोश्त खाने से, ये उन ईसाइयों ही का रिसर्च है, उन्हीं की तहकीक। मालूम हुआ कि जो चीज़ें हम खाते पीते पहनते बरतते हैं उनमें असरात हैं और वो असर अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो असर अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ने बस अपने कानून में कहा ये हलाल है ये हराम,
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کے واسطے کچھ چیزوں کو جو طیب اور پاکیزہ ہیں حلال کر دیتا ہے، اور جو خبیث اور گندے اور ناپاک ہے انہیں حرام کر دیتا ہے. یہ شراب بھی ایسی ہی گندی چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے. اس سے جو نقصانات ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے تو بھی ہماری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. عقل انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جانور اور انسان میں فرق عقل کی وجہ سے ہو رہا ہے. جانور کی بھی کھوپڑی میں بھیجا ہے، لیکن وہ جس کو فہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ صرف ایک عضو ہے، ایک پارٹ ہے. اس سے وہ زیادہ سے زیادہ یہ جان سکتا ہے کہ کون سی چیز اسے چرنی چاہیے، کون سی نہیں چرنی چاہیے، بس اتنا سمجھ سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. وہ راستہ چلتا ہے تو کس کو ٹھوکر لگ رہی ہے اور کسے دھکا مار رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ بھاگتا ہے تو کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. بھیجا تو ہے اس کے بھی، لیکن وہ اللہ نے معرفت و علم کے لائق نہیں بنایا. انسان کو جو اللہ نے بھیجا دیا ہے وہ معرفت اور علم کے قابل بنایا گیا ہے. اور یہ بھی ایک بحث ہے جو ہمیشہ سائنسدانوں میں بھی چلتی رہی ہے، علماء اور محدثین میں بھی چلتی رہی ہے، کہ عقل کا مقام دماغ ہے یا دل ہے. اکثر شارحین کا ماننا یہ ہے کہ عقل کا مقام دل ہے، دماغ نہیں. تو دماغ یعنی معرفت اور علم اللہ تعالیٰ نے جو عقل کے نام سے ہمیں عطا فرمایا ہے، چاہے وہ قلب میں رہتی ہو، چاہے وہ دماغ میں رہتی ہو، سر میں رہتی ہو، اس عقل سے اللہ نے دوسری مخلوقات کو محروم فرمایا. صرف انسان کو اللہ نے یہ عقل عطا فرمائی. کیوں؟ تاکہ یہ اشرف المخلوقات قرار دی جائے. کسی جانور کو اللہ نے کسبی علم نہیں دیا ہے. ایک انسان ہے جو اپنی کوشش سے نامعلوم کو معلوم بناتا ہے اور کسب کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ صاحب بکریوں کا اسکول اور بیلوں کا ہائی اسکول، جہاں انہیں پڑھایا جاتا ہو، جہاں انہیں زندگی سکھائی جاتی ہو، کسی مخلوق کے لیے نہیں، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کے ذریعے وہ علم کو حاصل کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیا جو ہمارے انسان ہونے کے امتیاز ہی کو ختم کر دے، اور وہ ہے شراب. جب انسان نشہ کرے گا تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہے گی، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکے گا، وہ دوست و دشمن میں فرق نہیں کر سکے گا، وہ کفر اور ایمان کی بات میں فرق نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس کو ان کے واسطے حرام قرار دے دیا. گندی چیز ہے، خبیث کو میں نے حرام کیا ہے. جو گندی چیز ہے وہ حرام کی گئی، جو طیب اور پاکیزہ چیز ہے وہ حلال کی گئی. شروع شروع میں اسلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ دیکھو شراب پی کر نماز نہیں پڑھا کرو، بس اتنا کہا، اور وجہ یہ بتائی تھی کہ کسی نمازی نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کے بجائے اپنے لیے بد دعا کر دی اور سمجھ نہیں پایا،
हुक्म मिला कि भाई ऐसा मत करो, गड़बड़ करोगे, तुम शराब पिए हुए हो, उसका असर बाकी है, तो नमाज मत पढ़ो। ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमु मा तकुलून। शुक्र की हालत में नमाज मत पढ़ो जब तक के तुम जो बोल रहे हो उसे समझ ना सको। मालूम हुआ कि नशा का असर ये होता है कि आदमी बोलता कुछ है और समझता कुछ है, बोलना कुछ और चाहता है, जबान से कुछ और निकल जाता है, उसकी अकल और उसकी जबान में रिश्ता बाकी नहीं रहता, और ये बहुत बड़े ख़तरे की चीज़ है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हराम कर दिया और इसको मना फरमा दिया। फिर उसके बाद मज़ीद उसकी मज़म्मत बयान की गई। सूरह बकरा में फरमाया गया कि ये रिज्स है, गंदी चीज़ है, ताकि नफ़रत पैदा हो जाए मुसलमानों के जहनों में उससे। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माईदा की आयत नाजिल फरमाई और उसे कतई हराम करार। ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह ने जो चीज़ें हलाल की उन्हें हराम मत बनाओ, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया उसे अपने लिए हलाल मत करो। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान। गंदी चीज़ें हैं, वजह भी बता दी। कुरान करीम में शिर्क को भी रिज्स कहा गया, शराब को भी रिज्स कहा गया। यही वजह है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शारिबुल खमरी का आबिदिल वसन, शराब का पीने वाला बुत को पूजने वाला है। एक रिवायत में है कि शारिबुल खमरी का आबिदिल लात वल उज्जा। मुशरिकों के बुत थे, एक का नाम लात था, उज्जा था। लात व मनात, उज्जा, ये उनके बुत थे जिनको वो मक्के में काबे में रख के पूजते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लात और मनात का पूजने वाला और शराब का पीने वाला बराबर है, यानी शिर्क से ममासलत देकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि गंदे कामों में इससे गंदा काम कोई नहीं, नापाक चीज़ों में इससे नापाक चीज़ कोई नहीं जिसकी तशबीह शिर्क से दी गई हो। इतनी बुतों की परस्तिश से जिसको मिसाल दी गई हो, इतनी बुरी चीज़ और कौन सी हो सकती है। लेकिन आज मुसलमान मर्दों और औरतों में नशा आम होता जा रहा है। नबी कह रहे हैं कि ये बुतों को पूजना है, लेकिन हम शौक से पूज रहे, फैशन बन रहा है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई माहौल भी ख़राब नहीं है। अच्छे खासे ख़ानदानों के हैं, अच्छे खासे घरानों के हैं, जहाँ गंदी चीज़ को गंदा समझा जाता है, जहाँ सफाई सुथराई का ख्याल है, जिन घरों के अंदर तहजीब है, अखलाक हैं, उन घरों के बच्चे, उन घरों की बच्चियाँ भी नशा की आदि हो, और तरह तरह के नशे मुसलमानों में कॉलेज कल्चर के नाम पर, वक्त के फैशन के नाम पर चल रही हैं। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, नौजवानों, अपने अपने घरों पे नज़र रखो, अपने अपने भाई बहनों की निगरानी करो। क्या हम इसको गवारा कर सकते हैं कि कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बहन से कहे कि तू लात व मनात और उज़्ज़ा की पूजने वाली है, मेरी पूजने वाली नहीं है? क्या हम इसको गवारा कर सकते हैं? आखिर नबी इतनी सख्त बात क्यों फरमा रहे? लेकिन मुसलमानों को इसकी परवाह नहीं है। हर भाई को अपनी बहन की हया, उसकी इज्जत, उसकी शराफत को महफूज रखने की फिक्र होनी चाहिए, फितरी और पैदाइशी तौर पर होनी चाहिए। हर शौहर को अपनी बीवी की फिक्र होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस पर अल्लाह की लानत है। सहाबा ने पूछा कि दयूस किसको कहते हैं?
तो फरमाया जो अपनी बीवी की बदकारियों को गवारा करता रहता है उसको दयूस कहते हैं, यानी इंसान ही नहीं है। इंसान होता तो कैसे बदकारी को बर्दाश्त कर सकता था, इंसान ही नहीं है, कोई शैतान है, कोई गंदी रूह है, इंसान कैसे कहें उसको जो बदकारियों को बर्दाश्त करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, शराब का बनाना भी हराम है, शराब का खरीदना भी हराम है, शराब का बेचना भी हराम है, शराब के बर्तन को उठा के देना भी हराम है, शराब का दौर चलाना भी हराम है, यहाँ तक कि शराब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल करना भी शुरू ज़माने में हुजूर ने हराम फरमा दिया, वो बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करो। बुखारी शरीफ में बार बार हदीस आई है कि मैं तुम लोगों को चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ, आमरुकुम बेअरबाइन व अनहाकुम बेअरबाइन, चार चीज़ों से रोकता हूँ, चार चीज़ों से का हुक्म देता हूँ। बार बार इस हदीस को इमाम बुखारी ने मुख्तलिफ अबवाब में रिवायत किया है। क्या चार चीज़ों को मना करता हूँ? वो बर्तन थे जो शराब के इस्तेमाल होने आते थे, ऐसा मटका जो ऊपर से तार को लीप दिया गया हो, जाहिर है कि जब ऊपर से उसको लीप दिया जाता है तो उसके मसामात बंद हो जाते हैं, फिर इसके अंदर जो नबी यानी जो पानी होगा, इस पानी में किशमिश या खजूर डाले जाएंगे तो चूंकि इसमें से रिश्ता नहीं है इसलिए उसके अंदर उबाल पैदा होगा, फिर नशा आ जाएगा, इसलिए ये बर्तन ही इस्तेमाल करना हराम कर लिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कद्दू से एक बर्तन बनाया जाता था, उसमें भी पानी रखा जाता था, चूंकि कद्दू के बर्तन में भी उसकी जो दीवार है इसमें से पानी रिस नहीं सकता, जब पानी उसमें से रिस नहीं सकेगा तो अंदर जो चीज़ रखी जाएगी वो सड़ेगी और उसमें जोश पैदा होगा और उसी जोश से नशा पैदा होता है, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको इस्तेमाल करने से मना फरमा दिया। पानी में नहीं, नबीज़ में, नबीज़ मतलब अरब लोग रात को पानी में चंद खजूरें या किशमिश डाल देते थे तो वो सुबह तक पानी मीठा हो जाता, वो ताकतवर होता, वो पीने का उनका रिवाज था। लेकिन ये बर्तनों को जो मना किया जा रहा है इसलिए कि ऐसे बर्तन में अगर पानी में खजूर किशमिश डाल दोगे तो उसमें सड़ान पैदा होगी, उबाल आएगा और नशा आ जाएगा, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरबों को इससे ख़ास तौर से मना किया। उसको नबीज़े तमर कहते हैं, खजूर की शरबत, शरबत तो पी सकते हैं खजूर का पानी, जैसे आज बहुत से लोग रात में खजूर भिगो देते हैं वो उसका जूस छूट जाता है, सुबह पी सकते हैं, ये खुले बर्तन में कुछ नहीं होता, कोई नशा नहीं आता, वो एक मशरूब है जो ताकत के लिए इस्तेमाल करना अरबों का तरीका था, खुद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत आयशा नबीज़ तैयार फरमाती थी ताकि सुबह को आप नोश फरमा लें। वो मना नहीं है, लेकिन हुजूर जो मना फरमा रहे हैं चार बर्तनों का नाम लेकर ख़ास तौर से, वो बर्तन ऐसे हैं कि उनके अंदर इसका ख़तरा है कि कहीं नशा ना पैदा हो जाए, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम मना फरमा रहे हैं। अभी बहुत से लोग होते हैं, एहतियात करना चाहिए, बहुत से शराब की कंपनियों के नाम वाले गिफ्ट मिल जाते हैं, कंपनियों में काम करने वालों को गिलास का सेट, इसका सेट, उस पर लिखा हुआ होता है शराब की कंपनी का नाम, नहीं इस्तेमाल करो चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, क्यों कि हम शराब की तशहीर का सबब बन रहे हैं। वो शराब जिसके पीने वाले को आबिदुल वसन कहा गया है, बुतों का परिस्तार कहा गया है, हम उसको भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि पसंद नहीं जब अल्लाह को। फजतनिबू, अल्लाह फरमा रहे छोड़ दो इन चीज़ों को, दूर हो जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लअल्लकुम तंतहून, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बंदे बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे मेरे मना करने से। क्या अल्लाह के मना करने के बाद भी किसी के मना करने का इंतज़ार है हमको?
अल्लाह के मना करने के बाद और कौन है जो इजाज़त दे सकता है। लेकिन मुसलमानों में चल रहा है सिलसिला, घर घर से, महलों महलों से इसकी खबरें, जानने वाले, साथ रहने वाले नौजवान बता रहे हैं कि हमारे सर्कल में इतनी शराब आम हो गई, नशे मुख्तलिफ किस्म के। वो बाटल ही नहीं कि हम समझें जब भी शराब तो शराब के कोई बाटल का तसव्वुर जहन में आए, तो वो तो हम कभी नहीं पीते, वो नहीं। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। वो चाहे भंग हो, वो चाहे ब्राउन शुगर हो, वो चाहे सूंघने की चीज़ हो, वो चाहे चूसने की चीज़ हो, वो चाहे पीने की चीज़ हो, वो चाहे खाने की चीज़ हो, वो चाहे कोई भी किस्म का नशा हो, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर सुकर लाने वाली, नशा लाने वाली चीज़ हराम कर दी गई है इस्लाम में। उसका एक एक कतरा नापाक है और हराम है। लेकिन हम में चल रही, लोग बता रहे हैं कि साहब, किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने तहकीक की कि आ कहाँ से रहा है, तो कई असबाब उनको मिले, उनके महल्ले में, बस्ती में, मुस्लिम बस्ती। एक सबब उनको ये मिला कि देर तक आइसक्रीम बेचने वाला अपनी गाड़ी लेकर बैठा हुआ है, उसकी आइसक्रीम भी ख़त्म हो गई लेकिन फिर भी उस पर बैठा हुआ है। जब उसकी तहकीक की गई, पता चला कि ये सप्लायर है, ये ला के दे रहा है नशा। फुटपाथ पे सोने वाला आदमी मिला, पड़ा मजनूनों की तरह सो रहा है, लेकिन शुक्र लिए हुए है, अपने पास छुपाए हुए है, और जो जानने वाले हैं वो मौका देखकर, दूसरों की नज़रें बचाकर उससे मिल लेते हैं, उससे ख़रीद लेते हैं। और भी बड़े बड़े अड्डे इसके बना दिए गए। कहा जाता है कि जितने हुक्का पार्लर हैं, ये लोग अपने कस्टमर को परमिनेंट करने के लिए कहते तो ये हैं कि ये फ्लावर है, लेकिन इसमें भी नशा को शामिल करते हैं ताकि आदत बन जाए और उनका कस्टमर परमिनेंट हो जाए। कानून अपनी जगह पर है, जराइम अपनी जगह पर है। जिस मुल्क में आप जानते हो, देखते हो, सुनते हो, आंखों से देखते हो कि कानून के मुहाफिज खुद जराइम के मुर्तकिब हैं, उस मुल्क में कौन है जो लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकता है? क्या सरकार हिदायत देगी? क्या सरकार को दिलचस्पी है कि रियाया के नौजवान तालीम में दिलचस्पी लें, काबिल बने, लायक फायक बने, और पढ़ने लिखने के रास्ते की रुकावटें ख़त्म की जाएं? नशे का आदि क्या तालीम हासिल कर सकता है? नशे का आदि कौन से हुनर और पेशे से माल कमा सकता है? नशे का आदि किस घर में चैन सुकून से रह सकता है? उसकी रिश्तेदारियाँ कैसे बाकी रह सकती हैं? उसके दोस्त कैसे कायम रह सकते हैं? इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़्ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर। शैतान का मकसद ही यह है कि तुम्हारी दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाएं, तुम्हारे रिश्ते टूट जाएं, तुम क़त्अ रहमी करने लगो सिले रहमी की जगह पर, तुम अमन से रहने के बजाय झगड़ालू बन जाओ। शैतान शराब पिला के यही चाहता है, अल्लाह फरमा रहे हैं शैतान यही चाहता है। जब तक शराब कतई हराम नहीं हुई, सहाबे किराम के घरों में भी इसके दौर चलते थे, मदीने मुनव्वरा में भी चलते थे। एक अंसारी सहाबी ने अपने दोस्त को दावत दी, दोनों ने खाना खाया और खाने से फारिग होने के बाद मामूल के मुताबिक शराब नोशी की। शराब नोशी में फिर इन लोगों के होश ख़त्म हो गए, इन दोनों के दरमियान किसी बात पे झगड़ा हो गया और ये झगड़ा मारपीट पर पहुंच गया। जब नशा उतरा तो एक मेहमान ने देखा कि मेज़बान ने उसके चेहरे का बुरा हाल कर दिया। उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना करीबी दोस्त कभी मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकता है। अब जब होश ठिकाने लगी तो उसका बोझ और उसकी अदावत दिल पे बैठ गई और उनके दरमियान जंग छिड़ गई। कुरान करीम में वही नाजिल हुई
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. शैतान यही तो चाहता है शराब पिला के कि तुम दोस्तों को दुश्मन बना दे. शराब पिया, एक आदमी की समझ में नहीं आया. उसको जब समझाया गया कि भाई इंसान की अकल ठिकाने नहीं रहती, तुम शराब पी लेते हो, आपे में नहीं रहते हो, लोग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या सलूक करते हैं. तो उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता. भाई क्यों नहीं हो सकता है, कुछ मिसालें बताई गई. उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी, यानी उसको पिला दी, खुद नहीं पी. फिर बर्तन में पेशाब करके उसको पेश कर दिया तो वो भी पी लिया उसने. तब उसको समझ में आया कि हाँ भाई शराबी के साथ कुछ भी किया जा सकता है, वो क्या जाने कि उसके साथ क्या किया जा सकता. हजरत मौलाना ज़करिया साहब संभली दारुल उलूम नदवतुल उलमा के शेखुल हदीस हैं, फरमा रहे हैं कि मैं पढ़ा के घर जा रहा था, रास्ते में कुछ लोग नजर आए खड़े हुए, किसी को बुला रहे थे नाले में से, गंदगी के नाले में से किसी को निकालना चाह रहे थे. तो हजरत ने कहा क्या हो रहा है भाई यहाँ पर. उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे घर का आदमी है, मुअज्जज घराने का, सूटेड बूटेड है, नाली में पड़ा हुआ है, गंदगी के नाली के अंदर, और उसके अंदर क्या शराब पिया. ये लोग कह रहे हैं कि भाई हाथ दे ऊपर आ. वो कह रहा है कि मैं यहाँ बहुत मज़े में सो रहा हूँ, तुम लोग जाओ. ये है अक्ल का मखमूर हो जाना. अक्ल जैसी नेमत ख़त्म होने के बाद जैसे खिंजीर जाके नालों में पड़ा रहता है पेशाब पाखाने के, ऐसे ही एक महज़ब घराने का नौजवान पड़ा हुआ. क्या फ़र्क हो गया वो दोनों में. हैवानियत से महफूज रहना चाहते हैं तो अपने अक्ल को बाकी रखना चाहिए, और अक्ल नशे के साथ बाकी नहीं रहती इंसान की. इसलिए नशा इस्लाम हराम करता है. अब मैंने आपको बताया इसलिए तो कोई चीज़ नहीं है, किसी भी लिए हो, समझ में आए ना समझ में आए, जब हमारा खालिक व मालिक उसको हराम कहता है तो हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हराम है. फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून. मेरे बंदो तुम शराब से दूर हो जाओ, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब. और एक नुकसान बताया अल्लाह ने, यह नुकसान तो दुनियावी है, जिल्लत का मिलना, शर्मनाक होना. हमारा एक पड़ोसी पहले शराबी था बेचारा, अब माशाल्लाह नमाजी है और दीन पसंद है, बच्चे भी उसके हाफिज़ कुरान हो गए, लेकिन पहले वो शराबी था. रोज़ाना रात में घर पहुंचने के बाद सिवाय मार धाड़ के और कुछ नहीं करता. जो चीज़ हाथ में नज़र आ गई, जो चीज़ मिल गई, कभी सलाख से, कभी लकड़ी से, कभी मुसल से, कभी किसी से, बीवी पे हमला कर देता. और बेचारी इज्जत के खातिर घर ही में कहीं छुप छुपा के रहती थी. अब वो भी इतनी शरीफ और नेक थी कि रात में इतने जूते खा के, मार खा के, और सुबह उसके उठ के तैयार होने से पहले पहले नाश्ता बना के तैयार करके रख देती थी उसके पास. खैर शायद उसी की आहें और दुआएं थीं कि अल्लाह पाक ने हिदायत दी और माशाल्लाह नेक नमाजी बन गया. हर मोमिन की हिदायत हो सकती है. ईमान जब मौजूद है तो इस शमा को रोशन करना है, फरोजा करना है. इस शमा को पर मेहनत कौन करे, तो माहौल में कोई किसी को पूछने के लिए तैयार, कोई किसी को पूछने के लिए तैयार. हमारे महज़ब फिक्रमंद अपने नबी की निस्बत की इज्जत करने वाले नौजवानों से मैं ख्वाहिश करता हूँ अपने मोहल्ले में अपनी गली के लिए एक मोहल्ला कमेटी बनाइए. कोई मसलक नहीं, कोई जमात नहीं, सब मिलके बना लो और सब मिलके ये तय करो कि हम अपनी गली को हर मुनकर से महफूज कर लें. यहाँ बेहयाई नहीं होगी, यहाँ शराब नहीं आएगी,
यहाँ बदकारी नहीं होगी, यहाँ अल्लाह को नाराज़ करने वाले मुत्तफ़क अलैह काम। मैं तो इख्तलाफी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ हराम है सबके नज़दीक हराम। क्या जीना सबके नज़दीक हराम नहीं है, कोई मसलक का हो कोई जमात का हो? क्या शराब सबके नज़दीक हराम नहीं? ऐसी बुराइयों पर सब मिलकर बिला लिहाज़े मज़हब मसलक आप कोशिश करो, जिद्दोजहद करो। जब तक हम समाज से जराइम का खात्मा नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे नहीं होगी। जराइम का खात्मा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में बाकायदा तौर पर हद मुकर्रर कर दी, शराबी को कोड़े मारे जाते हैं अगर इस्लामी हुकूमत हो, दुनिया की सज़ा है। जज़ा अम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह, ये दुनिया की सज़ा है। और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक घूंट शराब पी ले 40 दिनों तक, अल्लाह ताला ना उसके नफिल कबूल करता है ना उसके फ़र्ज कबूल करता है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला, ना नफिल कबूल होते हैं ना फ़र्ज कबूल होते हैं। इतनी गंदी चीज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो शख्स शराब का आदी बन जाए, तोबा ना करे और मर जाए, तो मैं उसको तीनतुल खिबाल से पिलाऊंगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो फरमाया, वो कुआं जिसमें जहन्नमियों के पीप जमा होते हैं वो पिलाए जाएंगे, वो लोग जो दुनिया में शराब पीते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मुदमिलुल खमर है, शराब का आदी है, जिंदगी में तौबा नहीं कर सका, उसी हाल में मर गया, तो अल्लाह ताला अपने मुबारक हाथों से जो शराब तहूर ईमान वालों को पिलाने वाले हैं उससे उसको महरूम कर देंगे और उसे यह इज्जत नहीं मिल सके। क्या फायदा है इसके अंदर? न दीन का फायदा, न दुनिया का फायदा, न आखिरत का फायदा, न अखलाक का फायदा, न घर के सुकून का फायदा, न यारों दोस्तों में इज्जत का फायदा। क्या चीज़ है इसके अंदर सिवाय जिल्लत के, रुसवाई के? और वो कोई मज़ा भी नहीं है, गुनाह बेलज़्ज़त है। अल्लाह के वास्ते हम मुसलमानों को बहुत सोचने की ज़रूरत है। अपने अपने जहाँ जहाँ से आप आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अपनी अपनी बस्तियों में इसकी फ़िक्र कीजिए। फरिश्ते नहीं आएंगे हमारे इस्लाह करने के वास्ते, अंबिया भी नहीं आएंगे। अब हमें अपनी फ़िक्र खुद करनी, हमें अपने नबी की ख़त्म नबूवत की बरकत से खुद दाई बनना है और ख़ुद हर बुराई को मिटाना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ वतनहौन अनिल मुनकर, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानियत में बरपा किए गए हो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। क्या हम ये अपनी सिफत बाकी रखे हुए हैं कि लोगों को अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से रोकें? ये हर एक के बारे में अल्लाह फरमा रहे, कुन तुम सब सारे मुसलमान, उनका काम ही ये है कि अपने समाज में अच्छाइयों को फैलाना और बुराइयों को ख़त्म करना और रोकना और मिटाना हर मोमिन की जिम्मेदारी है बहैसियत मोमिन के, हर उम्मती की जिम्मेदारी है बहैसियत उम्मती की। अल्लाह पाक अपने फजल व करम से मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपने इम्तियाजात को ज़िंदा करें। अल्लाह ने जो हमारी पहचान बताई है हम उस पहचान पर आ जाएं और हम अपने अपने घरों में और अपने अपने दोस्तों में और अपने अपने कॉलेजों में और अपने अपने समाज में और अपने अपने बाजारों में भलाइयों को वजूद में लाएँ और बुराइयों का खात्मा करने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल।